भैया रखो राम राम। आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्री पे निबंध कैसे लिखें। चाहे आ जाए पैराग्राफ लिखो ट्री पे, तब भी अपन लिख दे, ठीक है। अगर आप कक्षा 9 से कक्षा 12 के हो तो आप सही वीडियो देख रहे हो, और ये वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी है आपको पूरा निबंध याद हो जाए। और 200 से 250 शब्दों के बीच में हम जो निबंध लेके आए हैं आपके लाने, कहूँ ने मिले न इंटरनेट पे मिले न क्या मिले। भैया बहुत सरल शब्द हैं, ठीक है, इतने सरल शब्द हैं ए में कोई का ऐसा वर्ड नहीं आवे जो उन वर्ड की तुम्हें हिंदी में मीनिंग पता नहीं हो, ठीक है। 100% गारंटी है हमारी, ठीक है। तो वीडियो देखा दे पूरी, वीडियो के अंत में बताओ कैसी वीडियो लगी। तो दोस्तों हाँ, मैं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। शुरू कराते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। अपन हेडिंग डाला था ना निबंध में, हेडिंग डाला था, तो अपन ने एक हेडिंग डाली है का इंट्रोडक्शन, हमने हेडिंग डाल ली, ठीक है। ओके, बाद हम आपको बता दें अपन पूरा निबंध पॉइंट में लिखें। पॉइंट में कहाँ लिखें? पॉइंट में लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो पहला फायदा क्या है? अ ट्री इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन ऑन अर्थ। मतलब देखो क्या है इसमें, कोई इंग्लिश नहीं, मतलब जो पेड़ है वो बेस्ट फ्रेंड है मैन के। देखो ऑफ मैन लिखा, ऑफ मतलब के मैन, मैन के क्या है बेस्ट फ्रेंड है कौन? पेड़। ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सबसे अच्छे फ्रेंड कौन है? पेड़ पौधे हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट है इट इज आल्सो अ फैक्ट। यह एक क्या है? तथ्य। फैक्ट मीन्स क्या होता है? तथ्य। अपन फैक्ट तो इंग्लिश में ही समझते हैं। इट इज आल्सो फैक्ट दैट, दैट मतलब की पीपल हु लिव्स नियर ट्री आर हेल्थियर फिट एंड हैप्पियर देन पीपल हु डू नॉट। कहने का मतलब है कि जो लोग जो पेड़ पौधों के आसपास घर बने हैं वहाँ पे रहते हैं वो हेल्थी रहते हैं, फिट रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, और जो लोग नहीं रहते पेड़ पौधों के आसपास वो उतना फील नहीं करते। अच्छा देखो मैं आपको इसका रीजन बताऊं, क्योंकि देखो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जैसे अपन कहते हैं गाँव, गाँव में क्या है पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ अपन कहते हैं भैया पहाड़ रहते होते, कहा है भैया पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। अब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं तो जो शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा है कहाँ ज्यादा रहे? जहाँ पेड़ पौधे रहे। तो गांव में कहा होते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है, ऑक्सीजन की अपन कहते हैं क्वालिटी है वो बहुत बेटर होता है, ठीक है। जबकि शहर में ऑक्सीजन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। कहाँ से होते हैं भैया? उद्योग है, ठीक है, बहुत ट्राफिक है, बहुत वाहन है, तो बहुत वाहनों से जहरीली गैसें निकल रही हैं, ठीक है, उद्योगों से गैसें निकल रही हैं, तो कहा है ऑक्सीजन प्योर नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन शुद्ध अपने शरीर के अंदर लोगे तो क्या होगे? आप हेल्थी रहोगे। हेल्थी क्यों रहोगे? देखो हेल्थी रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, तो आप खुश रहोगे। और जो लोग शुद्ध ऑक्सीजन को नहीं ले रहे हैं वो बीमार होंगे, बीमार होंगे तो दुखी रहेंगे, समझ रहे हैं, और अनफिट रहेंगे, फिट भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। दे का मतलब है यहाँ पे दे का यूज किया है पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? सोखना, ठीक है, या अपन कह सकते हैं सोखना या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो पेड़ पौधे रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, और रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब एक जो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे जो वर्ड आया है, देखो यहाँ पे आपको मीनिंग पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रिएक्शन का नाम है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या एक रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, ठीक है, इतना कंफर्म है। यहाँ पे लिखा है ना दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। ऐसा एक भी वर्ड नहीं आने वाला जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, हर वर्ड का आपको मीनिंग पता होगा, मैंने इतनी सरल लैंग्वेज यूज की है, ठीक है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर आवर फ्रेंड हु सर्व्स अस मैन मैनी वे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनकी देखभाल करें जो हमें कई तरीके से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्ती में लोग जान दे देते हैं, तो यहाँ पे जो पेड़ है ना ये दोस्ती है, हम क्या है दोस्त है उसके, इसलिए वो अपनी जान को क्या कर रहा है सुरक्षित रख रहा है, ठीक है। लोग दोस्ती में जान देते हैं, वो आपकी जान को क्या कर रहा है सुरक्षित रख रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे, हम उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर रहे, हम दिन पे दिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय सेविंग प्लांट वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू प्लांट बट आवर सेल्फ ओनली।
मतलब अगर आप सेव कर रहे हैं प्लांट तो बी आर नॉट डूइंग, यहाँ पे क्या लिखा, बी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू प्लांट, हम कोई भी फेवर नहीं ले रहे प्लांट का, बट अवर सेल्फ ओनली, लेकिन हम खुद का फेवर ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो कौन रहेगा, हम रहेंगे। एक्चुअली में क्या है कि हम कह रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, हम पेड़ पौधों को लगा के हम खुद की जान को सुरक्षित कर रहे हैं, ना कि उन पे उपकार कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ना, हम सभी लोग सोचने लगे कि हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो हम पेड़ पौधों पे उपकार कर रहे हैं, नहीं, हम खुद पे उपकार कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए, पेड़ पौधे, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्री लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन अस बट आवर लाइफ डिपेंड ऑन देम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्री है वो हम पे डिपेंड नहीं है, लेकिन जो हम हैं हम ट्री पे डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, क्या आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, यहाँ पे लिखा है ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस इन अ लॉट ऑफ वे एंड वी कैन नॉट इग्नोर दे आर इम्पोर्टेंट, ट्रीज आर इम्पोर्टेंट मतलब ट्री क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। ट्री है जो कई प्रकार से, यहाँ पे लिखा ना इन लॉट ऑफ वे, मतलब जो ट्री है कई प्रकारों से हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, और वी कैन नॉट इग्नोर दे आर इम्पोर्टेंस, और हम इनकी इम्पोर्टेंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं यार पेड़ पौधे कुछ नहीं होते हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं, हम ऐसा कह ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्री कीप द एनवायरमेंट कूल, जो आपका एनवायरमेंट है कूल रहेगा अगर क्या रहेंगे, ट्री रहेंगे। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गिव अस, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है फूड टू ईट, थर्ड पॉइंट शेल्टर फ्रॉम सनलाइट। देखो फ्रेश एयर टू ब्रीथ मतलब हमें जो हम जो सांस लेते हैं उसके लिए वो ऑक्सीजन देते हैं, फूड टू ईट हमें जब भूख लगती है खाने के लिए वो फल देते हैं, और जब हमें धूप लगती है तो वो हमें छाया प्रदान करते हैं, ठीक है, मतलब वो हमें हर चीज प्रदान करते हैं, वो हमसे कुछ लेना नहीं चाहते, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये हम पॉइंट में क्यों पढ़ रहे हैं, हम पॉइंट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान के चलो मैंने तो आपको 4 पॉइंट लिखवाए और आपको 3 पॉइंट याद हुए, फिर आपको बाद में एक चौथा पॉइंट भी याद आ गया, तो आप इन पॉइंट को चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, कहीं भी लिख दो, पॉइंट में दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पॉइंट में आप आगे पीछे कर दोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद लिखा है बिसाइड दिस देयर आर मैनी मेडिसिन इन द मार्केट दैट आर मेड अप ऑफ ट्री एक्सट्रैक्ट, देखो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको बताएं, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा से हम कहते हैं एलोवेरा जेल, आपने सुना होगा, तो जो अपन एलोवेरा से अगर एलोवेरा जेल निकाल रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिसाइड दिस देयर आर मैनी मेडिसिन मतलब बहुत प्रकार की मेडिसिन मार्केट में क्या है, अवेलेबल है, जो किससे बनी होती है, ट्री से बनी होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट मीन्स इसके अलावा, ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा देयर आर प्लांट एंड ट्री दैट हैव मेडिसिनल वैल्यू, मतलब डायरेक्ट मेडिसिनल वैल्यू रखती है, जैसे तुलसी हो गया, आपको सर्दी खांसी होती होगी आप तुलसी यूज कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट है दे आल्सो हेल्प प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूजन, ठीक है, 3 पॉइंट थे, इसके अंदर आपको लिखना है वी कैन से दैट ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर एवरी लाइफ फ्रॉम अर्थ, ठीक है, फ्रॉम ऑन अर्थ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल भी है फॉर एवरी लाइफ, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, ठीक है, सबके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन देगा, पेड़ पौधे देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट देम दिस सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल बिकम डिफिकल्ट एंड आफ्टर सम टाइम एवरी स्पीसीज स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन द प्लानिट, मतलब अगर इनके अलावा, ठीक है, अगर आप सोचें कि पेड़ पौधों के अलावा हम रह लेंगे तो भैया आपको सर्वाइव करना, मतलब आपको जिंदगी जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम जो जीव जंतु है, ठीक है, चाहे हम हैं, ठीक है, एक बार एक टाइम आएगा कि हम मर जाएंगे, ठीक है, क्यों मर जाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब लैक मीन्स कमी है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी से हम मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है
अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट खराब लगा है, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट खराब लगा, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। भैया रखो, राम राम, फिर मिलते हैं अपन।